हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। मैं गीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो इसी के साथ अपना व्लॉग करते हुए हम कर जाने वाले हैं सबसे पहले तो बैंक में, क्योंकि जो मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मेरा आज तक नंबर लिंक नहीं है। होगा जिस टाइम मेरा आधार कार्ड बनाया था शायद नंबर लिंक होगा किसी का, बट वो नंबर मुझे पता नहीं है किसका था क्या है। तो अभी मुझे पैन कार्ड बनाना है जिसकी वजह से मेरे को आधार कार्ड में नंबर लिंक करना जरूरी है। और दूसरी बात, मेरा एड्रेस जो है दरहाट का आर्क है, बट मेरा जो एड्रेस है वो चखुटिया का, चखुटा में आता है मतलब मेरा ब्लॉक, बट वो दरहाट का आ गया है तो उसको ठीक करवाना है। तो जल्दी से चलते हैं हम विकास भवन, जहाँ की भीमताल का विकास भवन वहाँ पे बन रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से रेडी होके सीधे बैंक में। तो अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं विकास भवन पे, और अभी हमें फिशरीज के यहाँ पे जहाँ पर से कि हम जा रहे हैं सीधे विकास भवन को, और यहाँ का व्यू चेक करें आज कितना सही हो रहा है सिनेमैटिक। तो यहाँ पे देखिए ये जा रही है जहाँ पर ये गाड़ी मुड़ रही है, ये जाएगी सीधे हल्द्वानी को। और जो नीचे रोड है ये बस यहाँ का ही है, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत अच्छा है, गाड़ी वाड़ी कुछ भी फोर व्हीलर टू व्हीलर वगैरह। बट हमने जाना है इस साइड को जहाँ से ये आ रही है अभी, क्योंकि हमने जाना सीधा विकास भवन बैंक ऑफ बड़ौदा में। बस वहाँ जाके खुला होना चाहिए बस आधार कार्ड वाला और मौसम। यहाँ से ये जाएगी सीधे हल्द्वानी दिल्ली जहाँ को भी जाना है, ये जाती है जो है बाईपास रोड जो की, और हम जा रहे हैं विकास भवन का। पहले हम पहुंच चुके हैं विकास भवन के अंदर जो कि भीमताल अंतर एरिया का विकास भवन है। ये देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे साफ़ सफाई भी काफ़ी क्लीन वगैरह है। तो इसी के अंदर इनका बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बाकी सारे ऑफिस यहाँ पे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह भी हैं। बट हमें जाना वो सीधे वाली रोड को आगे। फाइनली मेरा आधार कार्ड का काम भी हो चुका है और हम निकल चुके हैं यहाँ से, सीधे जाते हैं घर, मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर के यहाँ पे। देखिए नर्सरी में आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, सब ग्रीनरी वाले प्लांट ज़्यादा हैं इसमें भी, क्योंकि सीजनल प्लांट बारिश की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी कुछ नए नए प्लांट आए हैं लाइक दिस और कुछ ऐसा। तो इसी के साथ मैं सीधे घर चलती हूँ। देखिए मैंने कुछ बेल लगाई थी ये लौकी खीरा वीरा की, तो इसमें अंदर एक कहीं पे खीरा हो रहा है, दो खीरा होता है, एक सफ़ेद थोड़ा सा मैंने एक यहाँ पे हो रहा है, और इसमें लौकी का है बट लौकी हुई नहीं है अभी तक। तो फाइनली घर तो चाची ने किए खरड़, जो कि पहाड़ी में कुछ होता है मतलब पेड़ में, ये खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये पकाया था, बहुत कड़वा हो रहा है पर इसको खाना पड़ेगा। बट बाहर का मौसम दिखाती हूँ, अभी भी बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये चक्कर है अभी बहुत सारी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा से मौसम ख़राब हो गया। अच्छा हुआ कि हम टाइम से आ चुके हैं। यहाँ पर बन रहे हैं भट्ट की चुड़काने, जो कुछ सही से आ रहे हैं भट्ट पर बच रहे हैं, इसमें न गया भाग क्योंकि बन चुका है भाई, ये पकना है उसके बाद भात खा। ये एक खीरा मैंने ये तोड़ा सुबह, इतनी ख़राब नहीं होती थी ऐसी कुछ। फाइनली खाना आ चुका है, खाने में है बड़ी ये भट्ट और प्याज का तहीं भाई की सब्जी। मैं थोड़ा सा खाई रही थी, मेरे को याद है कि मैंने ब्लॉगिंग रखी थी, मैं दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आई। तो इसको खाते हैं फिर मिलते हैं यहाँ पर, बाहर का मौसम बहुत खराब है। पार्लर आके यहाँ पे हो रही है किसी के समोज में जो कि येलो कर रहे हैं अभी। तो मैं जैसे आके बैठ चुकी हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जीन्स थोड़ी खराब हो गई थी मिट्टी मिट्टी से, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम पार्लर से जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो हम जाने वाले हैं डाट कुप्पा खाने के लिए। तो देखते हैं वहाँ के कब तक मिलते हैं, लेट होगी तो हम नहीं खाएंगे, बट जल्दी बन जाएंगे तो हम खा के आ जाएंगे। तो चलते हैं सीधे यहाँ से डाट को। तो देख सकते हैं कितना भयंकर कोहरा हो रखा है यहाँ तली नाल पे। तली नाल में तो नहीं हुआ है, पर तली नाल में काफी कोहरा लगा हुआ है, जिससे कि बोटिंग वगैरह सब बंद है अभी, कोई भी बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है।
गड्ढे बहुत है इस रोड में। एक ऑर्डर दे चुके हैं तो मिलते हैं, खाते हैं। हम यहाँ से भी निकल चुके हैं, बट आजकल टूरिस्ट को ज़्यादा है नहीं क्योंकि ऑफ सीजन हो गया। सबसे बड़ी बात बारिश का सीज़न है, बट यहाँ का फॉग देखिए, फॉग थोड़ी देर पहले तक तो धूप भी दिख रहा था बट अभी तो बिल्कुल बंद हो गया, तार कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आज मैं जा रही हूँ रिया के साथ स्कूटी पे, फर्स्ट टाइम ना जैसा स्कूटी का फर्स्ट टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चल रही है पढ़ाई बड़ी मुश्किल से, ये फाइनल टेंथ में जा चुका है ना, ये टेंथ में जा चुका है और रजत का ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है तो वो भी पास हो चुका है। बाहर उजाला रखा है, इसका डिनर होने लग गया अभी से, इतनी जल्दी भूख हो रखी है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका बेचारा जिम, तो इसलिए थोड़ा अपना डाइट पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है बंदा। तो फाइनली गाइज मैं आ चुकी हूँ अभी घर, और अभी मेरे को यहाँ टाइम 7 बजने वाले हैं तो मैं घर आ चुकी थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं सीधे पार्लर गई, पार्लर जाने के बाद मैं सीधा आ गई थी घर खाने के बाद। तो अभी घर आके चाची ने खाना बना दिया है, सब्जी बना दी है, आटा भी गूंथ दिया है उन्होंने, तो मैं बस जस्ट बैठी थी। तो इस ब्लॉग को अपने यहीं पर करते हैं एंड, उम्मीद करते हो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का कुछ ज़्यादा था नहीं, बस अपना डेली रूटीन दिखा रही थी कि कैसे उठ के दिन भर, आजकल जैसे मौसम खराब रहता है बट थोड़ा सोया ही रहते हैं दिन भर, उसके बाद पार्लर जाती हूँ 2 बजे समथिंग और अभी 7 बजे आती हूँ वहाँ से, बट तो ऐसे दिन निकल जाता है आराम से, घर आके वही खाना पीना खाओ भी और फिर थोड़ा देर फोन चलाती हूँ, उसका सो जाती हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।